So this is how my journey began with Islamabad. मेरा नाम रजी है और मैं निकल पड़ा हूँ सोलो ट्रिप पे। इस बार मैं जा रहा हूँ हमजा, हालांकि हमजा पहले कभी गया नहीं हूँ। सो लेट्स सी हाउ विल आई रीच देयर। सो मैंने कार रेंट करी विद फोर अदर स्ट्रेंजर्स। साउंड्स लाइक एडवेंचर, बट इट वाज। आई यूज्ड टू थिंक हमजा इज ओवररेटेड टू बी ऑनेस्ट, बट नाउ हियर आई एम गोइंग विद फोर अदर स्ट्रेंजर्स ऑन अ सोलो ट्रिप। हमारा पहला स्टॉप था बालाकोट, जो इस्लामाबाद से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर था। सो इट टुक अस 3-4 आवर्स टू गेट देयर। रात की ट्रिप में होता है कि आपको दरख्तों के अलावा कुछ और दिखता है नहीं ज्यादा, खासतौर पर माउंटेन्स पे। और हम पहुंच गए हमारे पहला स्टॉप बालाकोट पे, जहाँ चाय पी, क्योंकि चाय ज़रूरी है। सिंस सफ़र बहुत लंबा है तो स्टॉप्स लंबे नहीं होते हैं। हम जा रहे हैं नारंग की तरफ से, क्योंकि हम बाबूसर टॉप से होते हुए जाएंगे। नारायण पहुंचते पहुंचे ठंड बढ़ गई और नीड हो गई गर्म चाय। और अ गुड फोटो ऑप एज वेल। अब हम वो रहे हैं टुवर्ड्स बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप नारान से तकरीबन 60 किलोमीटर का रास्ता है। टॉप पे पहुंचते पहुंचते आपको तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रूट्स। तो ये रास्ता जाएगा बाबूसर टॉप। यहाँ बहुत सर्दी है, पानी आगे रखा है, ये ड्राइवर सीट के साथ रखा हुआ है। हाँ लो लो ब्रो, तबीयत खराब लग रही है ब्रो की। ब्रो खांसी हो रही है ब्रो को बहुत ज्यादा, खांसी हो रही है ब्रो को बहुत। उस टाइम इतनी सर्दी लगी है, अब टॉप पे तो हम नहीं पहुँचे, वो और इसी टॉप की बुलंदी एक ही है। हम अभी पहुँच जाएंगे आधा घंटे घंटे बाद। हमारी गाड़ी में थोड़ा सा मसाइल है ना, वरना हम घंटे आधा घंटे पहुँच जाते हैं। हाथ भी कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। और क्या बताऊँ, अल्लाह माफ करे, कसम से जी सर्दी। ये बर्फ है, ये देखो ना। अच्छा कोरा बना हुआ है, इसी का बर्फ है। हैं इसी का बर्फ है।
हाँ ना मैं भी कह रहा हूँ ना, वो क्या किया है उसने कोने में चला है ना, वो जहाँ पर टायर लगता है बीच में बर्फ नहीं है। तू गाड़ी क्या कर लोगी, गाड़ी का क्या होगा, गाड़ी का उसको दे दिया मैंने, उसकी टायर चेंज किया, उसकी टायर फट गया, सिरे लग गया अंदर, ये सिरे नहीं था उधर, हाँ वो लग गया। और हम फाइनली पहुंच गए हैं बाबूसर टॉप। बाबूसर टॉप जो कि 13,700 फीट की हाइट पे है, अपेरेंटली इज द हाईएस्ट पीक कागन वैली पे, जिसका एक्सेस कार्स के थ्रू रहेगा। यहाँ थोड़ी ऑक्सीजन भी कम है जो थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। यहाँ भी गाड़ी पार्क करी आगे हम लोगों ने, क्योंकि अभी रास्ता बहुत बर्फ हुई यहाँ पे, देखें बर्फ। एक बस चम खुदा की मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा इससे बात अभी ताकि गाड़ी स्लिप ना हो ये। नहीं इस साइड नहीं जाओ। नहीं जाओ। गाड़ी आ रही है। और ये है हमारी ट्रिप की आखिरी चाय बिफोर वी रीच टू पिलगेट। गाड़ी मुझे ड्रॉप करेगी गिलगित, वहाँ से मुझे कोई और ट्रांसपोर्ट लेके जाना होगा हमजा करीमाबाद, जो गिलगित से तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है। इतना ट्रैवल करने के बावजूद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा ट्रिप अभी स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैं अपनी डेस्टिनेशन से अभी भी दूर हूँ। ऑल्दो मुझे माउंटेन्स नजर आने लगी हैं और सिर्फ माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिख रही हैं, और मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ कि हुंजा कैसा होगा।